हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये जो है आपको 17,000 में मिल रहा है वो है सोनी का ST-S20R। देखो पहले ही बता देता हूँ, कभी कभी अब लेने के टाइम थोड़ा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि उसका मॉडल नंबर की वजह से। देखो ये S20R है और एक आता है जो है S40R। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा आपको, तो ध्यान से ओके जब परचेस करेंगे। तो ये 40 क्या है, तो वो उसमें जो है वो लाउडनेस नहीं देता है उसमें। ओके, तो लाउडनेस बोले तो बेस तो है उसमें पर वो लाउडनेस देता है, सेम दिखता है वैसा ही। चलो वो सिर्फ 10,000 के अंदर आएगा आपको। वो आप सोचेंगे सोनी का ब्रांड है अच्छा है खरीदेंगे, नहीं वो आपको लाउडनेस नहीं देगा। आप जब टीवी में कनेक्ट करेंगे आपको उतना बास सब मतलब बेस तो देगा पर आपको लाउडनेस नहीं देगा। जो वोकल्स है मूवी का, जो बात करने के डायलॉग्स है वो आते हैं अच्छे, मतलब उतना अच्छे क्लियर से सुनाई नहीं देंगे। पर ये जो है आपको 17,000 में मिल रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है पर ये 5-in-1 है, डॉल्बी डिजिटल है। ओके, डॉल्बी डिजिटल बहुत ही अच्छा फीचर होता है जैसे कि बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। चलो मैं इसको बताता हूँ, जैसे कि सराउंड साउंड भी है इसमें, ब्लूटूथ जैसे कि नॉर्मली होता है ये सभी में, और जैसे सभी USB होता है, जो नॉर्मल पोर्ट्स होते हैं वो सभी पोर्ट्स इसमें आपको मिल जाएंगे, और डॉल्बी ऑडियो भी है। देखो नॉर्मली क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सराउंड साउंड है डॉल्बी ऑडियो भी है। तो सराउंड साउंड क्या है, सराउंड साउंड एक डिफरेंट फीचर्स होता है, जैसे कि आपको पूरा जैसे कि हेलीकॉप्टर आ रहा है तो पीछे से आपको सुनाई देगा, वो सब है क्योंकि इसकी सैटेलाइट जो स्पीकर्स हैं उसकी वजह से। तो वो कैसे फिक्स करते हैं वो उसका भी एक तरीका होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। वो जो सैटेलाइट स्पीकर्स हैं उसको आप जिधर अगर मैं इधर बैठा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगाना है, और उसका जो स्पीकर है जो आपके कानों के साइड पे रखना है, मतलब आप जिधर बैठे हैं तो आपको आपको फेस करके आपको रखना है, तभी आपको वो इफ़ेक्ट मिलेगा। तो वो मतलब इफ़ेक्ट नहीं मिलता है पर वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो डॉल्बी ऑडियो क्या है, डॉल्बी ऑडियो वही होता है जो अगर मूवी सपोर्ट करेगी, समझ में आया, अगर मूवी में डॉल्बी ऑडियो है तभी आपको वो इफ़ेक्ट मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मूवी में डॉल्बी ऑडियो होना चाहिए तभी आपको डॉल्बी एटमॉस का वो फीचर आपको सुनाई देगा। तो ये है, तो अभी मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये 400 वैट्स का है, तो 400 वैट्स बहुत ही लाउड होता है, ये आपको वोकल्स जो है डायलॉग डिलीवरीज वो सभी क्लियर से सुनाई देंगे। इस प्राइस रेंज में ये मस्त है। ओके, क्योंकि जैसे कि इसमें एक ग्राफ भी दिया गया है कैसे वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप बाय करेंगे तो कैटलॉग में होता है वो कैसे सेटअप करते हैं। ओके, तो जो गाना सुनते हैं वो भी मस्त है कि हम जैसे कि इधर सबवूफर नीचे रखा है तो आपको मज़ा आएगा क्योंकि ये वायरलेस ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग करता है, जैसे कि ब्लूटूथ आप आराम से प्ले कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मली सभी लोग करते हैं। ये एक अगर आप एक ब्रांड चाहे एक ब्रांडेड होम थिएटर सिस्टम चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं आप आराम से, क्योंकि नॉर्मली आप क्या देखते हैं मूवीज डेली तो नहीं देखते हैं, कभी कभी संडे को ऐसे देखते हैं। तो ये एक पूरा फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट पैकेज बन सकता है ये होम थिएटर सिस्टम। इस प्राइस रेंज में आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस प्राइस रेंज में ये मस्त है क्योंकि 5-in-1 है और इसका जो प्राइस है ये घटेगा नहीं। देखो मैं अभी आपको एक बताता हूँ तो आप ग्यारह से मतलब ठीक से सुन लीजिएगा कि आपको करना क्या है। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी तो सेल स्टार्ट होने वाला है, 26 को स्टार्ट होने वाला है। अभी ये 17,000 में ये 15,000 तक आएगा क्योंकि ये लास्ट पहले 15,000 तक आया है, तो आपको एक या दो दिन वेट करना है। ओके, जैसे कि पहला दिन 26 है तो 27 तक वेट करो शाम तक। ओके, अगर इसका प्राइस कम नहीं हुआ तो आप इसी प्राइस में आप खरीद सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर ये प्राइस कम नहीं हो तो ये कम नहीं होगा क्योंकि ये बिकता ही 18,000 में था। ओके, इन्होंने ऑलरेडी 1,000 कम किया है, 18,000 में बिकता था कब, एक साल पहले इन्होंने कम नहीं किया तो अब क्या कम करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है, उनको प्रोडक्ट के बारे में मालूम है कि ये कितना ज़बरदस्त है। सो समझ में आया ना बात, तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करो और बाय करना है तो मैंने जैसे ही बोला वैसे ही करो। और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, तो इसी वीडियो पे आने के लिए तकलीफ होगी तो वो लिंक जो है उसको कॉपी करो, और जो अगर आप वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं उसको वो वीडियो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है ना उसको कॉपी करो, कॉपी करके अपने मोबाइल में जो नोट्स होते हैं कुछ लिखते हैं ना
तो उधर डाल के सेव करके रखो, या अपने आप में व्हाट्सअप में ना अपने आप को वो लिंक शेयर करके रखो अपने आप को, तो आपको ओपन करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप ढूंढते फिरोगे ये किधर है वो किधर है बोलके, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आसान कर दिया मैंने। तो कुछ पूछना है ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ डालो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मिलता हूँ अगली वीडियो पे, टिल देन मिलता हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ। टिल देन टेक केयर बोल के ख़त्म करता हूँ, सी ऑफ।